परम सन्मान्यो गुरुरु गुरु खालसा साह संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जिला लुधियाणा दे कस्बा माछीवाड़े दे वसनीक दो रोहेले पठान भरा सन, जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे सिख सन। ये धार्मिक ख्यालां दे व्यक्ति सन ते इन्हां दी गुरु घर विच बहुत श्रद्धा सी। यह घोड़ियां दे वपारी सन ते अक्सर गुरु जी नूं घोड़े लिया के दिंदे सन। हर साल विच सब तो वधिया घोड़ा गुरु जी दी सवारी लई भेटा करदे सन। इन्हां ने अपनी नेक नीति अते चंगे वपार सदका गुरु जी दे चरणा विच अपनी खास जगह बनाई हुई सी अते गुरु जी भी इन्हां ते बहुत विश्वास करदे सन। गुरु जी चमकौर की गढ़ी छड्डण तो बाद सरहंद नवाब के अधीन मुगल फौजां नूं पछाड़दे होए जंगलों विचों दी हुंदे होए माछीवाड़ा साहब पहुंचे। मुगल फौज थां थां ते गुरु जी नूं लभण लई फिर रही सी अते सहमी हुई जनता गुरु जी नूं अपने पास रखण नूं तैयार नहीं सी। उस वक्त सच्चे पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज माछीवाड़े विच एक मसंद जिसका नाम गुलाबा सी उसके पास जाके ठहरे। जब उसनु शाही मुगल फौज का डर प्रतीत होया तो उसने भी गुरु साहब जी नू अपने पास ठहराने तो ना कर दिती। नबी खां ते गनी खां इन्हां दोनों पठान भरावां ने गुरु जी की सेवा का काम अपने सिर लै लिया। गुरु जी अक्सर उन्हां दे घर आउंदे रहिंदे सन। यह दोवें भरा गुरु जी दे कोल श्री आनंदपुर साहब विखे आम ही आउंदे रहिंदे सन अते चंगे घोड़े खरीदण लई भी गुरु जी इन्हां दी सेवा लैंदे सन। गुरु साहब जी नूं मुगलां दी इस घेराबंदी विचों कढ़ण लई इन्हां दी सलाह अनुसार माई गुरदेई वल्लों भेटा कीते खद्दर दे नीले रंग दे पोशाके बनवाए गए। गुरु जी अते उन्हां दे साथी सिंघां भाई मान सिंह, भाई दया सिंह अते भाई धर्म सिंह ने यह नीले बाणे पहन ले। यह बाणा पा के अते केस खोल के पिछां वल नूं सुट के उन्होंने उच्च दा पीर बना के बहावलपुर के सैयद फकीरां वाला रूप धारण कर लिया। तीन सिख ते दो पठान भरा गुरु जी नूं मंजी ते बिठा के तुर पए। रस्ते विच कोई पुछदा तां कहिंदे इह तां उच्च दे पीर हन। पिंड नाल नेड़े रस्ते विच मिले एक शकी मुसलमान फौजी सरदार दलेल खां ने सच जानण लई उच्च दे पीर नूं अपने घर खाणा खाण लई आख्या। पीर जी ने रोज़ा रखे होण दी गल कह के खाणा खाण तों इनकार कर दिता पर बाकी साथियां ने खाणा खा लिया। फिर भी फौजी सरदार दी तसली ना हो सकी। उसने गुरु जी की पहचान करवाउण लई गुरु जी दे वाकिफ काजी चिराग शाह अजनेरिया, अनायत अली नूरपुरिया, काजी पीर मुहम्मद सलोह वाला नूं माछीवाड़े साद लिया। ये सारे काजी गुरु जी दे शरदालू सन अते श्री आनंदपुर साहब विच गुरु घर की हाजरी भरते रहे सन। इन्हां सारे काजियां ने भी गुरु जी नूं पहचानण तों इनकार कर दिता अते कहा कि यह सच ही उच्च दे पीर हन। इन्हां काजियां दे मना विच यह डर भी बनया होया सी कि जेकर मुगल फौजां नूं पता लग गया कि असी जान बुझ के गुरु जी की पहचान नहीं कीती तां इह सानूं मौत दे घाट उतार देणगे। गुरु जी इन्हां काजियां दे मना दे डर नूं समझ गए अते उन्हां ने इन्हां काजियां नूं कहा कि इन्हां फौजां विचों तुहाडा कोई कुछ विगाड़ नहीं सकेगा अते जिथों दे तुसीं रहण वाले हो उह पिंड भी सदा चढ़दी कला विच रहणगे। फौजी सरदार नूं तसली होण उपरंत गुरु जी कोलों उन्हां नूं उच्च दे पीर समझ के माफ़ी मंगी अते बड़े अदब नाल उत्थों विदा कीता। उस दिन तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नूं उच्च दा पीर कहा जाण लगा। इस उपरंत दोने पठान भरा गनी खां ते नबी खां गुरु जी नूं लै के अगे तुर पए। गुरु जी इन्हां दोवां पठान भरावां दी सेवा तों बहुत खुश होए अते उन्होंने इन्हां नूं सोने दे कड़ियां दी जोड़ी दित्ती अते सर्व सिख संगत दे नाम एक हुक्मनामा बख्शिश कीता।
जिस विच इन्हां दोहां भरावां नूं गुरु जी ने अपने पुत्रां बराबर मन्या। एक बार गनी खां नबी खां श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नाल गलबात कर रहे सन, तां गनी खां दी पोतरी बार बार उन्हां कोल आउंदी सी, जिस नाल उन्हां दी गलबात करन विच विघन पैंदा सी। इस करके गनी खां ने अपनी पोतरी नूं गुस्से विच बाहर जाण नूं कहा, तां गुरु जी ने उस लड़की नूं अपनी गोदी विच चुक लिया अते कहा कि यह तेरी पोतरी नहीं सगों मेरी पोतरी है। जो बाद विच ओह लड़की गुरु जी की पोतरी दे नाम नाल प्रसिद्ध होई। इसलिए सिखां विच इन्हां भरावां अते फिर इन्हां दी संतान लई बहुत आदर रहा है। सिख रियासतां दे समें भी इन्हां दे नां जमीन आदि लगी रही है। भारत पाकिस्तान वंड वेले इन्हां दा खानदान भावें पाकिस्तान चला गया, पर इन्हां दे पुरातन घर विच गुरद्वारा कायम है। माछीवाड़े विच इन्हां दी याद विच एक गेट भी मौजूद है। परिवार का पाकिस्तान जाण दा कारण सिर्फ बरादरी दे लोकां दे विचों चले जाना सी। मई जून 2005 विच इस खानदान दे सतवीं पीढ़ी दे जहूर अहमद खां, जिन्हां दा पता गली नंबर 11 मकान नंबर 1 रेलवे स्ट्रीट शॉप रोड मुगलपुर लाहौर पाकिस्तान, जो सरकारी महकमे विचों रिटायर्ड गजटड ऑफिसर आए सन, महाराजा रणजीत सिंह ने इन्हां नूं एक जगीर भी दित्ती सी। उन्हां पास अज भी सच्चे पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का हस्त लिखित हुक्मनामा है, जिसका संगत दर्शन करती है। इस हुक्मनामे की एक कापी गुरद्वारा नबी खां गनी खां जो कि माछीवाड़े विच है उत्थे मौजूद है। फारसी के हुक्मनामे की नकल इस प्रकार है, एक ओंकार सतगुरु जी, एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की आज्ञा है, सरबत संगत उपर मेरा हुक्म है। गनी खां और नबी खां एहो जो हैं मेरे हैं, मैनू फरजंदास बेहज हैं मेरे काम आए हैं। जो सिख इनकी खिजमत अंदर रजू रहेगा सो निहाल हो, उन ऊपर मेरी खुशी हो, उस ऊपर मेरा हाथ हो। एहो जो हैं हो मेरे हैं, जो सिख इनकी सेवा करेगा मेरी करेगा। सो सच्चे पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का हुक्म है कि जेड़ा सिख इन्हां दी सेवा करेगा वह समझो मेरी सेवा करेगा। गनी खां ते नबी खां जी दे परिवार का कुर्सीनामा इस प्रकार है, पहला गनी खां ते नबी खां होए हैं, फिर उन्हां तों बाद शहबाज खान होए हैं, फिर महमूद खान होए हैं, फिर बुढ़े खान होए हैं, फिर मुहम्मद इस्माइल खान होए हैं, ते उन्हां तों अगे मुख्तियार अहमद खां ते जहूर अहमद खां होए हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।